हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरविंद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक वन अरविंद चैनल पर। चलिए इस वीडियो में हम VHF सेट के बारे में जानते हैं। VHF का फुल फॉर्म होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। VHF का फ्रीक्वेंसी रेंज है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। इसी फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच का एक भाग उठाकर भारतीय रेलवे को आवंटित किया गया है, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 146 मेगाहर्ट्ज से 174 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी रेंज का आवंटन WPC के द्वारा किया जाता है। WPC का फुल फॉर्म है वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। यहां आपको एक 25 वाट VHF सेट दिख रहा है। आइए देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। इसका इंस्टॉलेशन करने के लिए मेनली 6 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जो यहाँ इस प्रकार दिख रहा है। आपको एक बैटरी चाहिए, दूसरा उसका बैटरी चार्जर चाहिए, तीसरा VHF सेट चाहिए, चौथा हैंडसेट चाहिए, पांचवा फीडर केबल चाहिए और छठा GPA एंटीना चाहिए। आइए देखते हैं इन सबको कैसे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले VHF चार्जर को AC सप्लाई देते हैं, उसके बाद चार्जर में ऑन ऑफ करने का बटन लगा हुआ है। इससे आप AC सप्लाई को ऑफ ऑन कर सकते हैं। हमारा चार्जर ऑन हो चुका है। अब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं ताकि यह चार्जर बैटरी को चार्ज कर सके। इसे कनेक्ट करने के लिए चार्जर के पीछे बैटरी का 2 पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट 1 और 2 में इनपुट का पॉइंट है। इसमें हम बैटरी के पॉजिटिव एवं निगेटिव को कनेक्ट करते हैं। इस पर पॉजिटिव एवं निगेटिव का इंडिकेशन लगा रहता है, आपको देखकर कनेक्ट करना है। बैटरी को कनेक्ट करने के बाद अब हम अपने VHF सेट को पावर सप्लाई देंगे। VHF सेट को पावर सप्लाई देने के लिए चार्जर के पीछे 0.3 और 4 में आउटपुट का पॉइंट है। इसमें हम VHF सेट को कनेक्ट करते हैं। इसमें भी पॉजिटिव एवं निगेटिव का इंडिकेशन लगा है, देखकर कनेक्ट करना है। चार्जर में कनेक्ट करने के बाद इस वायर को हम VHF सेट में लगाते हैं। यहाँ देखिए यह VHF सेट है, इसके पीछे में यह पावर इनपुट करने का पॉइंट है। इसी में हम पावर केबल को लगाते हैं। इसमें एक और पॉइंट है, यह एंटीना कनेक्ट करने का पॉइंट है। इसमें BNC कनेक्टर का प्रयोग होता है। डिवाइस में BNC फीमेल कनेक्टर लगे रहते हैं और केबल में BNC मेल कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। यह कोएक्सियल केबल है, इसका इम्पीडेंस 50 ओम्स होता है। इस केबल का स्टैंडर्ड नाम RG58 केबल है। इस केबल को हम 185 मीटर तक यूज कर सकते हैं। इस केबल के दूसरे सिरे को एंटीना में कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हम GPA एंटीना का उपयोग करते हैं। GPA का फुल फॉर्म होता है ग्राउंड प्लेन एंटीना। एंटीना लगाने के बाद अब हम अपने VHF सेट को हैंडसेट से कनेक्ट करेंगे। हैंडसेट से कनेक्ट करने के लिए यहाँ हैंडसेट कनेक्ट करने का पॉइंट दिया हुआ है। अब हमारा VHF सेट का वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम डिवाइस को ऑन करेंगे। यहाँ ऑन करने का बटन दिया हुआ है। ऑन करने के बाद वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का बटन दिया हुआ है। यहाँ से हम वॉल्यूम को कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम चैनल को सेट करेंगे। यहाँ चैनल को अप डाउन करने का बटन दिया गया है। आप जिस जगह पर इसका प्रयोग करना चाहते हैं उसके हिसाब से चैनल को सेट करेंगे। यदि आप इसका प्रयोग स्टेशन मास्टर एवं गार्ड ड्राइवर के बीच बातचीत करने के लिए प्रयोग में लाना चाहते हैं तो इसे GDC में रखेंगे। अब बात करने के लिए आपको हैंडसेट में एक PTT का स्विच दिया हुआ है। PTT का फुल फॉर्म होता है प्रेस टू टॉक। आप उसे प्रेस करके बात कर सकते हैं। यह VHF सेट आप डुप्लेक्स मोड में काम करता है, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं इस इंडियन रेलवे फ्रीक्वेंसी एलोकेशन चार्ट में ड्राइवर गार्ड कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो एक समय में इस फ्रीक्वेंसी से या तो ट्रांस हो सकता है या रिसीव हो सकता है। अगर दो फ्रीक्वेंसी अलॉट किया हुआ रहता तो एक साथ ट्रांस रिसीव हो सकता है। इसी तरह सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।